गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है अवयव यानी कि मैट्रिसेस। हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हमने अभी क्वेश्चंस करे और कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, उसको कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन और मैं आज कराऊंगा फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन, देन हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जी हाँ बच्चों, कोई भी लक्ष्य जो है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हम आज विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके बदौलत है? हम मनुष्यों के बदौलत है। हमारा हम अपना एग्जाम्पल ले ले, हम हजार आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर, बट आप हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, साथ मिलके पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके कारण संभव हुआ? मनुष्य के साहस, यानी कि हम मनुष्यों के कारण संभव हुआ। आपने क्या है, देखो, हारता वही है, ठीक है, हार वही जाता है जो लड़ता नहीं, जो ट्राई नहीं करता है, जो पहले ही हाथ खड़े कर देगा वो कभी भी आपको सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आप जब तक लड़ोगे नहीं अपने डर से, आप क्या है लड़ोगे नहीं तो आपको क्या है सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अपने डर से मुकाबला, जो हमारा डर है उसको दूर करना है, चाहे वो क्वेश्चन को लेके हो, चाहे वो पढ़ाइयों को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। क्लियर? तो आगे जो हम इस चीज को आप अपनी जीवन में भी सुचारू रूप से ले आए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ए माइनस बी ये दिया हुआ है, 2a माइनस बी ये दिया हुआ है, 2a प्लस सी ये दिया हुआ है, और 3c प्लस डी ये दिया हुआ है, और ये है माइनस 1, 5, 0, 30। क्लियर? ये चलो क्वेश्चन को करो, इसको आप लोगों को आता है, इतने दिनों से हम इन चीजों को कर रहे हैं, तो इस चीज को पूरा करो। चलो जो भी आप इसमें कर सकते हैं, आपने ये चीजें की हुई है, कुछ नया नहीं है। इक्वेशंस कैसे आपको इक्वेशंस को रिलेट करना है, कहां से आपको लिंक ढूंढना है, कहां से आपको क्या करना है, कहां से आपको लगता है कि हाँ यहाँ से इस चीज को हमें कौन सी चीज हमें कहां से पकड़नी, जब इक्वेशन बनाएंगे वो आपको करना है और इस आंसर को सॉल्व करना है। फटाफट ए बी सी डी की वैल्यू आप निकाल के बताएं। इक्वेट करें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करें, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज होंगी यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, आपको पता है फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स corresponding element, यानी कि संगत, जो संगत अव्यय होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं।
corresponding elements are equal. ठीक है, हमें पता है संगत अव्यय क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो संगत अव्यय जब बराबर होते हैं तो a माइनस बी होगा मेरा माइनस वन के बराबर. इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, a माइनस बी माइनस वन के बराबर होगा. टू ए माइनस बी जीरो के बराबर होगा. पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा. और 3c प्लस डी 13 के बराबर होगा. ये चार इक्वेशन. इसमें कुछ लिंक देखो, आपको क्या लिंक लगता है कि आप इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं? देखो 2a माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसमें हो जाएगा 2a आपके b के बराबर. इससे भी हम कर सकते हैं, जो b है हमारा 2a के बराबर हो जाएगा, है ना, इसको भी यूज कर सकते हैं. बट मेरे को और चीज और दिखी यार, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, है ना, a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, तो मैंने देखा आपको दोनों चीज मैं बता रहा हूँ, माइनस वन प्लस बी, तो a की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस वन, है ना. थोड़ा लंबा सा हो रहा है कि b माइनस वन, a की जगह b माइनस वन रखो, फिर इतना प्लस वगैरह करो, है ना, तो ये मेरे को इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये हो रहा है. फिर दूसरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से मुझे क्या पता लगा, 2a माइनस b इक्वल टू जीरो है, तो 2a इक्वल टू b, यानी कि b क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a है, 2 गुना है a का, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. ज्यादा अच्छा भी अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा इजी लग रहा है कि कहीं भी मैं इसको अगर पुट करूं, कहीं भी मैं इसको रखूं, तो आंसर ज्यादा इजीली आ जाएगा. देखो आंसर उससे भी आता है पहले वाले से, बट जो हमको इजी पड़े, जो हमको कैलकुलेशन में इजी पड़े, हम उसका यूज करेंगे, है ना. यहां तो कुछ बात ही नहीं बनती. तो चलिए b इक्वल्स टू 2a कहां रखूं इसको मैं, नाउ a और b देखेंगे कहां कहां है, a और b यहां है, और यहां इन दो में ही a और b का यूज हो सकता है ना. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, नाउ put b equals to 2a in equation first. Equation first में, equation first में डालता हूं मैं, है ना, तो a minus b equals to minus 1, और b की जगह मैंने क्या डालना है, 2a, तो a minus 2a minus a, minus a equals to minus 1, minus a minus कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू बना गई. a कहां कहां डाल सकता हूं मैं निकालने के लिए, यहां यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो b और c मैं a की हेल्प से निकाल सकता हूँ, है ना. तो मैं a करके आता हूँ, नाउ पुट a इक्वल्स टू 1 इन, किस में डालोगे, b निकालने के लिए, किसी में भी डाल दो, है ना, चाहे इसमें भी डाल दो आप, ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल दो. तो मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है इसमें डालना, है ना, तो इसमें डालते हैं इन फोर्थ इक्वेशन. तो b इक्वल टू क्या है, 2a, तो b आ जाएगा 2 इंटू 1, 2, तो b आ गया मेरा 2. आप यहां भी डाल दोगे ना, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो. a की वैल्यू क्या है, क्या डाला हमने, a इक्वल टू 1, 1 माइनस, अगर आप इस पे भी डालोगे ना, तब भी सेम आएगा, 1 माइनस b इक्वल टू माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस भी तो जाके प्लस का भी हो जाएगा, तो आप देखोगे इधर से भी b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. आप कहीं से भी करोगे आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है. और ए क्या, ए यहां भी डाल देता हूं मैं, है ना, यहां भी तो ए है. नाउ पुट ए इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं, तो इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, तो 2a मतलब a की वैल्यू 1 है, प्लस c इक्वल्स टू 5, तो
सी की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 3, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, क्लियर। अब सी डी निकालने के लिए सी की जरूरत चाहिए तो डालो, यहीं कर दो इसको भी। नाउ पुट सी इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। आप वहां एग्जाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको मैं समझा रहा हूं, है ना। तो 3, सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी इक्वल्स टू, तो डी की वैल्यू जाएगी 9D, 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी आएगा 13 में से 9 गए 4, डी की वैल्यू आ गई 4। कॉपी कर इस क्वेश्चन को फटाफट। तो बच्चों, तो जो क्वेश्चन था, जो इस तरह का क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि क्या वो क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन वो है, और अच्छा क्वेश्चन वो है, पहली बात है कि वो क्वेश्चन अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा, ठीक है, आपको दोनों में समझना है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में, अच्छा चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में क्वेश्चन क्या था आप, क्योंकि आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पास हैं, तो उसमें क्वेश्चन ये था बच्चों, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आवयों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, मैं आपको युग्म बता दूं कि क्या थे, 3x+7, 5 5+1 और 2 -3x, ठीक है। देन 0 y-2 8 and 4, ठीक है, ये है। अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके ये हैं x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, सेकेंड y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -2/3, तीसरा x इक्वल्स टू -1/3, y इक्वल्स टू 2, एंड फोर्थ वन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ज्ञात करना असंभव है, ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना असंभव है, ठीक है। चलो करो उस क्वेश्चन को, जरा आप कॉपी करो क्वेश्चन को। ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दो मैट्रिसेस को आपको बता रहा है कि किन मानों के लिए, क्या वैल्यूज हम एक्स और वाई की रखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगी, ये इसमें बोला गया है, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। तो आपको बताना है भैया क्या क्या रखें वैल्यू एक्स और वाई की, ठीक है, एक्स वाई के किन मानों के लिए रखेंगे कि आवयों के निम्नलिखित युग्म यानी कि जो फॉलोइंग पेयर है हमारे मैट्रिसेस के, वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, क्लियर हुआ किसी का।
कल काफी बच्चे अगर कुछ कल प्रीवियस क्लास में नहीं थे और जो थे उनको तो पता है, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और कुछ बच्चों को क्वेश्चंस में दिक्कत थी वो भी अभी हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। थ्री एक्स प्लस सेवन वाई प्लस वन फाइव और टू माइनस थ्री एक्स, यही था। और दूसरी मैट्रिक्स थी 0 8 4 जीरो एट, अच्छा जीरो इधर नहीं था, जीरो था कि 10 था, ये जीरो था। 0 8 4 वाई माइनस टू, ना ये था। अब मैट्रिसेस इक्वल हूं है ना, फॉर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या क्या जरूरत होता है ना, फॉर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फॉर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो देखेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा था कि क्या होता है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता में आपको क्या क्या चाहिए होता है, पहला ऑर्डर्स शुड बी सेम, ठीक है, यानी कि जो कोटि बराबर होनी चाहिए। देखते हैं इसकी कोटि कितनी है, एक दो, एक दो, तो दो रो दो कॉलम है ना, तो 2 बाय 2 की, तो 2 बाय 2 है इसका। अब इधर देखते हैं 1 2, दो रोज हो गई, एक दो कॉलम हो गए, तो ये भी 2 बाय 2 का है ना, ये भी 2 बाय 2 का, यानी कि ऑर्डर्स हमारे सेम हो गए। ठीक है, ऑर्डर्स हमारे सेम हो गए। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए है ना। संगत अवयव यानी कि 3x+7 आपका 0 के बराबर होना चाहिए, 5 आपका y माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, y प्लस 1 आपका 8 के बराबर होना चाहिए, 2 माइनस 6 4 के बराबर होना चाहिए, तभी क्या है मैट्रिसेस इक्वल होती हैं है ना। तो हम देखते हैं कि भाई क्या ये इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, हम जो देखो जो तो ऑप्शन डाल के देखेगा, वो कौन डालेगा ऑप्शन डाल के, वो देखेगा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बट हमने तो इंट्रोडक्शन क्लास पूरी पढ़ी है, हमने तो इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, यानी कि इक्वल रखेंगे है ना। तो इक्वल रखते हैं 3x+7 को 0 के बराबर रखते हैं जरा है ना। नाउ ऑन कंपेयरिंग, चलो हम लिख देते हैं ना, देखते हैं, चलो करके देखते हैं। तो 3x+7 को मैं रखूंगा 0 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी इधर 3x हो जाएगा माइनस 7 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई -7/3 3। ठीक है, दूसरा y -2, ये हो गया, ये 5 के बराबर है, रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5+2, यानी y की वैल्यू आ गई 7। फिर इस y प्लस 1 को हम रखेंगे 8 के बराबर, तो y की वैल्यू आएगी 8 -1, y की वैल्यू आ गई 7।
सेवन। फिर अब इसकी बारी है, ये इसके बराबर होगा तो 2 माइनस 3 एक्स आपका होगा 4 के बराबर, तो 2 माइनस 3 एक्स ना, तो इसको इधर ले आओ, -4 हो जाएगा, ये उधर के जाके प्लस का 3 एक्स हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 3 एक्स, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2 अपॉन 3। ठीक है, -2 अपॉन 3। तो हमने क्या देखा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि y7 y7, ठीक है ठीक है, x -2/3, x -7/3। चलो 1 मिनट हो गया, y हमारा 7 आया, तो 7 - 2 देखो 5 है, बिल्कुल, तो यहाँ 5 है ना, और ये 7, y हमारा 7 आ गया था, 7 + 1 8 है, तो बिल्कुल 8 है, क्लियर, 8 है हमारे पास, तो यानी कि y तो हमारा सही आ गया। और जब हम, और जाहिर सी बात है, जब एलिमेंट्स किसी मैट्रिसेस में अगर x की वैल्यू है तो x x की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, y की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी, बट हमने देखा कि x एक जगह -7/3 है, एक जगह -2/3 है, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता मैट्रिसेस में, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई साहब x की दो अलग अलग वैल्यू आ जाए, वो भी एक ही मैट्रिक्स के अंदर, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि चौथा, कि ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, जो चौथा पार्ट है, यानी कि हमारा चौथा पार्ट है आपका ये, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके लिखें इसको फटाफट। तो बच्चों, अच्छा ये तो हो गया, हमने आंसर कॉपी कर लिया, आपने कॉपी करें इसको, है ना, हमने देखा कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे, हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे, है ना। तो अब क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया, ठीक है, आपने बता दिया, आपने रटा हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, चलो कुछ कुछ बच्चे रट लेते हैं, अरे आपके पास आ भी गया, तो अगर उसमें ये भी बोल दिया उसने कि भाई आप क्या करो, आप ना इसका रीजन भी दो हमको, तो रीजन क्या देंगे आप, ठीक है, रीजन क्या देंगे आप, तो रीजन आप इसमें देंगे लास्ट में, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, हम रीजन ये देंगे, क्या पीछे जगह है हमारे पास, नहीं हमारे पास जगह नहीं है, तो इसमें रीजन हम ये देंगे, वी फाइंड दैट ऑन कंपेयरिंग द ऑन कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन कंपेयरिंग द क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस ऑफ द टू मैट्रिसेस वी गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हिंदी में संगत अवयवों की तुलना करते हुए, ठीक है, हमें एक्स की दो विभिन्न मान ज्ञात हुए, जो कि एक आवयु में संभव नहीं है, ठीक है, ये आप रीजन उसमें देंगे, ठीक है, कॉपी कर लें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with each entry 0 or 1 is, ठीक है हिंदी में लिखेंगे हम, तीन बाय तीन कोटि के ऐसे अवयव, के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या वन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है 512। क्वेश्चन कॉपी करो और इसको फटाफट क्वेश्चन करो, उसको आप करो कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो करिए, कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्या आप इसमें दिमाग लगाएंगे बताएं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विच एच एंट्री 0 और 1 इज 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। आइए भाई, 3 by 3 की मैट्रिक्स बननी है ना, तो 3 by 3 की मैट्रिक्स हम बना देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारे पास 3 by 3 की मैट्रिसेस हैं। 3 by 3 की मैट्रिसेस हैं, ये देखो 3 by 3 ऑर्डर है इसका। ठीक है, अब क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, अब देखिए कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, अब इसमें क्या है, 0 और 1 ही एंटर हो सकते हैं इसमें ना। इसमें जो एंट्री होगी या तो 0 आएगी और 1 जो एंट्री होगी एलिमेंट की, 0 और 1, या तो 0 0 से बना सकते हैं, 1 1 से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो A11 के पास, A11 के पास क्या, A11 के पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस है। कौन कौन सी, या तो 0 डाल दे या 1 डाल दे, है ना इसके अंदर। वैसे ही ए सेम A12 के पास भी 2 चॉइस है, जीरो और वन। ठीक है, तो ऐसे क्या है, एंड सो ऑन, और सेम एज सब तक, सेम एज पूरा कहां तक, A33 तक, है ना। सबके पास 2 चॉइस है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 9 एलिमेंट्स है वैसे तो, है ना, मेरे पास 9 एलिमेंट्स है ना, बट हमें ऐसे तो देखना नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे भाई, अब देखो A11 के पास कितना है, A1 के पास 2 है। ठीक है, तो ऊपर आएगा 2 2 है, 2 इसके पास है। ठीक है, 2 बगल वाले पे है, 2 A13 पे है। इसी तरीके से है, 2 और 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 है, है ना, पूरे 6 है। तो 2 2 2 2 वहां पर कितना है, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 9, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 512, यानी कि ऑप्शन डी। कॉपी करो इसको।
तो चलिए बच्चों, कल हम ये था हमारा आज टॉपिक खत्म हो गया है। कल अगर एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर कुछ और बचता है इसमें वो करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे कल हम अपना टॉपिक स्टार्ट, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजें, फिर उसमें भी हम क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी है कल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।